नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर स्कूल और कॉलेज और कोचिंग संस्थाओं को खोलने को लेकर बहुत ही बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। जी हां दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर, खुल गए हैं स्कूल। दोस्तों किन किन राज्यों में स्कूल खुल गए हैं और किन किन राज्यों में नए वर्ष 2021 में स्कूल कॉलेज और कोचिंग संस्थान खोले जाएंगे, इसके बारे में आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार से स्कूल कॉलेज और कोचिंग संस्थान कब खुलेंगे पल पल की अपडेट हमारे YouTube चैनल के माध्यम से जानने के लिए अभी वीडियो के नीचे आपको रेड सब्सक्राइब के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए आप सभी से एक छोटा सा आग्रह है, रिक्वेस्ट है, वीडियो के नीचे रेड सब्सक्राइब के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में बेल या घंटे के निशान को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबसे पहले प्राप्त कर पाएं। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं खुल गए हैं स्कूल। बिहार स्कूल रीओपन न्यूज, स्कूलों में करीब 9 महीने बाद फिर से लगेंगी क्लास। बिहार सरकार ने नए फैसले में क्या कुछ खास बड़ी घोषणा की है, आज इसके बारे में इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दें, बिहार सरकार ने शुक्रवार को बड़ा फैसला लिया है। करीब 9 माह बाद राज्य के सभी स्कूल कॉलेज और कोचिंग संस्थान नए साल से यानी कि 4 जनवरी से चरणबद्ध तरीके से खोले जाएंगे। इसी के अलावा दोस्तों सभी स्कूलों में पहले चरण में कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाएं खोली जाएंगी और कॉलेजों में फाइनल ईयर की कक्षाएँ लगेंगी। साथ ही सभी कोचिंग संस्थान भी खोल दिए जाएंगे। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में ये अहम डिसीजन लिया गया है। इसके अलावा दोस्तों मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया कि क्लास में विद्यार्थियों की उपस्थिति जो है आधी रखनी होगी। अगर किसी कक्षा में 50 बच्चे हैं तो 25 विद्यार्थी पहले दिन और 25 विद्यार्थी दूसरे दिन क्लास में शामिल होंगे, इससे सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन भी हो सकेगा। उन्होंने बताया कि बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि 15 दिन बाद यानी कि 18 जनवरी से शेष सभी कक्षाएं खोल दी जाएंगी, यानी कि जो नीचे की कक्षाएं हैं 1 से 8वीं तक उन्हें भी खोल दिया जाएगा। स्कूलों में भी फाइनल ईयर के साथ साथ सभी कक्षाएं जो है 18 जनवरी से खोल दी जाएंगी, यानी कि UG अंडर ग्रेजुएट की कक्षाएँ जो हैं उनको भी एक बार फिर से 18 जनवरी से खोल दिया जाएगा। इसमें जो है नर्सरी से लेकर ऊपर तक की सभी कक्षाएं शामिल होंगी। अब दोस्तों स्कूल रीओपन गाइडलाइंस क्या क्या है, क्या क्या नियम और ज़रूरी बातें यहां पे आपको जानना ज़रूरी है अगर आप भी एक स्टूडेंट हैं और स्कूल जाने के इच्छुक हैं। तो दोस्तों मुख्य सचिव ने बताया कि स्कूल कॉलेज और कोचिंग संस्थाओं को मास्क के उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना बहुत ही अनिवार्य होगा। सभी सरकारी स्कूलों को शिक्षा विभाग द्वारा विद्यार्थियों को 2-2 मास्क मुफ्त उपलब्ध कराए जाएंगे। बाकी स्कूल कॉलेज और कोचिंग संस्थाओं को यह सुनिश्चित कराना होगा कि विद्यार्थी मास्क पहनकर क्लास में पढ़ने आए, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करें। ये जिम्मेदारी जो है संस्थानों की होगी। अब भी महामारी जो है ख़त्म नहीं हुई है, कोरोना वायरस अभी भी जो है लगातार फैलता जा रहा है, जिसकी वजह से संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। अब दोस्तों हर सप्ताह होगी समीक्षा। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि राज्य में 4 जनवरी से खुलने वाले स्कूल कॉलेज और कोचिंग संस्थाओं की हर सप्ताह समीक्षा की जाएगी। पहली समीक्षा 11 जनवरी को की जाएगी कि राज्य में स्कूल कॉलेज और कोचिंग संस्थान किस प्रकार से संचालित किए जा रहे हैं। अब दोस्तों कोचिंग संस्थान अपना प्लान DM को किस प्रकार से सौंपे, तो मुख्य सचिव ने बताया कि कोचिंग संस्थाओं को भी 4 जनवरी से खोलने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि जितने भी हॉस्टल हैं वे कोचिंग संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, ऐसे में कोचिंग संस्थाओं के खुलने के साथ ही हॉस्टल भी खुल जाएंगे। यह जिम्मेदारी कोचिंग संस्थानों के प्रबंधक की होगी कि वह कोचिंग संस्थाओं को किस प्रकार से खोलते हैं। इसका विस्तृत रिपोर्ट जो है वे संबंधित जिले के DM को सौंप सकते हैं। तो दोस्तों इन गाइडलाइंस के तहत एक बार फिर से बिहार में जो है स्कूल और कॉलेज खोल दिए गए हैं। वहीं दोस्तों बात करें बाकी के राज्य जितने भी हैं जिनमें 4 जनवरी से स्कूल और कॉलेज और कोचिंग संस्थान खुल जाएंगे, तो सबसे पहले हम बात करें तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कहां पे क्या क्या खुलेगा। तो दोस्तों झारखंड में 17 दिसंबर से ही जो है 10वीं और 12वीं की कक्षाएं जो है सुचारू रूप से जारी है। तो वही हम बात करें
तो मध्य प्रदेश में भी जो है 10वीं और 12वीं की कक्षाएं 18 दिसंबर से नियमित रूप से जारी हैं। वहीं कॉलेज और विश्वविद्यालय यानी कि उच्च शिक्षण संस्थान भी जो है 15 दिसंबर से खोल दिए गए थे। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जो बात करें कक्षा 1 से 8वीं तक की जो स्कूलें हैं वो अभी भी जो है 31 मार्च 2021 तक बंद रहेंगी। दोस्तों हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के सभी स्कूल कॉलेज और कोचिंग संस्थान जो है 31 दिसंबर तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है, यानी कि इनमें भी जो है नए वर्ष से ही जो है स्कूल और कॉलेज खोले जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों बात करें राजस्थान के अंतर्गत तो दोस्तों राजस्थान में भी जो है 4 जनवरी से जो है स्कूल और कॉलेज और कोचिंग संस्थान खोले जा सकते हैं। हालाँकि मकर संक्रांति के बाद भी राजस्थान में स्कूल खोलने की खबर सामने आ रही है, यानी कि 15 जनवरी से स्कूल खोले जा सकते हैं। वहीं दोस्तों दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक कोरोना वायरस का कहर पूरी तरीके से नहीं समाप्त हो जाता तब तक जो है दिल्ली यानी कि भारत की राजधानी कैपिटल के अंतर्गत जो है स्कूल और कॉलेज और कोचिंग संस्थान किसी भी हालत में नहीं खोले जाएंगे। तो वहीं दोस्तों बात करें तो कहां कहां पे किस किस तरीके से स्कूल खोले जाएंगे तो दोस्तों सभी स्कूलों को अगले 4 जनवरी से फिर से खोला जाएगा। टाइमिंग रहेगी सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक, यानी कि आधे टाइम ही जो है अभी शुरुआती दौर में 4 जनवरी से जो स्कूलें खोली जाएंगी उनमें समय रहेगा 10 से 1 बजे तक। उसके बाद 18 जनवरी से जो स्कूल खोली जाएंगी 18 जनवरी से बाकी की जितनी भी कक्षाएं हैं उनको खोल दिया जाएगा। 4 जनवरी से सिर्फ कक्षा 9 से 12वीं तक की उच्च कक्षाएं खोली जाएंगी और कॉलेजों की बात करें तो कॉलेजों में सिर्फ फाइनल ईयर खोले जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों 18 जनवरी से जो स्कूलें खोली जाएंगी उसमें यूजी और पीजी दोनों कॉलेज पूरी तरीके से कॉलेज भी खोल दिए जाएंगे और इसी के अलावा जितनी भी छोटी कक्षाएँ हैं कक्षा 1 से 8वीं तक इनको भी पूरी तरीके से खोल दिया जाएगा और समय रहेगा पूरे दिन, यानी कि जिस तरीके से पहले टाइमिंग होती थी 4 या 5 बजे तक इस तरीके से यहाँ पे इस बार भी जो है 10 से 4 या 10 से 3 जो भी टाइमिंग रहेगी पूरे दिन वो स्कूलों के अनुसार रहेगी। अब दोस्तों किन किन गाइडलाइंसों के तहत जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय की जो दिशा निर्देश हैं उनके अनुसार ही जो है स्कूल खोले जाएंगे क्योंकि अभी भी जो है कोरोना वायरस का कहर पूरी तरीके से नहीं मिटा है। तो चलिए आपको गाइडलाइंस हम बता देते हैं। तो दोस्तों सभी अभ्यर्थियों को जो है सभी अभ्यर्थियों व स्टूडेंटों छात्रों व स्टाफ को जो है मास्क लगाना अनिवार्य होगा। बिना मास्क के विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जाएगा, यानी कि 2 गज दूरी मास्क है जरूरी, इसका पालन करते हुए जो है स्कूल एक बार फिर से खोले जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों स्कूलों को हर सप्ताह के बाद यानी कि हर रविवार को जो है सैनिटाइज किया जाएगा ताकि किसी भी प्रकार से कोरोना का खतरा ना बना रहे। इसी के अलावा आपस में भोजन को शेयर करने की अनुमति नहीं है, यानी कि अभ्यर्थियों को आपस में वस्तुएं जो है आदान प्रदान आपस में शेयर करने की अभी भी जो है परमिशन नहीं दी गई है। तो इस तरीके से इन तमाम गाइडलाइंसों के तहत इन तमाम दिशा निर्देशों के तहत एक बार फिर से जो है 4 जनवरी 2021 से जो है नए वर्ष में जो है स्कूल खोले जाएंगे। जो मार्च 2020 से स्कूलें बंद थी उनको 9 माह बाद एक बार फिर से खोला जाएगा। अगर आप भी स्कूल कॉलेज और कोचिंग संस्थान खुलने से खुश हैं तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जो भी सवाल जो भी प्रश्न आपके मन में हो वो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों इसी प्रकार से एजुकेशन से रिलेटेड हर प्रकार की पल पल की अपडेट हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से जानने के लिए अभी वीडियो के नीचे रेड सब्सक्राइब के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए पास में बेल या घंटे के निशान को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों अभ्यर्थियों के बीच ये जानकारी पहुंच सकें।